गाइज आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाली है, आज हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, संधारित क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि संधारित क्या होता है, फिर दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे कि संधारित की धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होती है। गाइज तो इन दोनों टॉपिकों का जानकारी लेंगे और इन दोनों टॉपिकों को एक अच्छे और सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे गाइज। और जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज के सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि आज का सेशन बेहतरीन रहने वाला है और ज़बरदस्त रहने वाला है। तो गाइज आपके टाइम को ना लेते हुए आइए आज की क्लास को, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले संधारित, आखिर संधारित की जरूरत क्यों पड़ी, संधारित क्या होता है, संधारित क्यों बनाई गई, संधारित की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो गाइज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि एक दो लाइन जरूर जो है आप ऐसा सुनने को पाओगे या तो ध्यान दीजिएगा उन बातों पे कि वो बातें क्या संधारित से मैच करता है। अगर हम कहें एक कैपेसिटर क्या होता है, संधारित क्या होती है, हमने क्या लिखा, संधारित एक प्रकार का एक ऐसा सेल होता है, एक प्रकार का सेल होता है जिसकी सहायता से किसी भी परिपथ में एकाएक आवेश दे सकते हैं। तो गाइस आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे मैंने क्या कहा कि ये आपने फैन देखा होगा, जरूर देखा होगा, फैन की थोड़ी सी डिज़ाइन बनाने का प्रयास करते हैं कि भाई जो फैन आप लोगों ने देखा है, जो आपके घर में फैन लगे रहते हैं वो किस प्रकार रहते हैं, ऐसे कुछ फैन लगे रहते हैं ऐसे, ठीक। अब ये क्या होता है, ये फैन जब चलने की आवश्यकता होती है, इसको चलाने के लिए, फैन को चलाने के लिए अब आप लोग क्या करते हो कि भाई घर जो बाहर से वायर जो आपके घर में विद्युत आती रहती है, घर से जो विद्युत आपके घर में जो विद्युत आती है, जो आपके घर में लाइन आ रही है वो मान के चलिएगा 2 एम्पियर होगी या तो 3 एम्पियर, 2 एम्पियर से 5 एम्पियर तक की करंट फ्लो होती है। आपके घरों में आने वाली जो विद्युत होती है वो 2 एम्पियर से 5 एम्पियर तक फ्लो होती है। पर भाई साहब किसी भी पंखे को चलने के लिए इससे ज़्यादा एम्पियर की, इससे ज़्यादा धारा की आवश्यकता पड़ती है, चलने के लिए, लगातार चलने के लिए नहीं, इसको स्टार्ट करने के लिए इससे ज़्यादा, मान लेते इमेजिन कर लिया जाए कि भाई 20 एम्पियर से 25 एम्पियर तक की धारा की आवश्यकता है भाई, किसके लिए, स्टार्ट करने के लिए, पंखे को स्टार्ट करने के लिए 20 एम्पियर से 25 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होने वाली है। पर आपके पास कितना है, आपके पास तो 2 एम्पियर से 5 एम्पियर की धारा उपलब्ध है, तो भाई क्या पंखे को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं स्टार्ट कर सकते, पंखे को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको चलने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे इतनी धारा की आवश्यकता है और इतनी धारा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो भाई इस पंखे के स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने किसका उपयोग कर लिया भाई, संधारित का उपयोग कर लिए। तो मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोला था कि संधारित की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो भाई संधारित की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि संधारित की सहायता से किसी भी परिपथ को या किसी भी यंत्र को, जो किसी भी यंत्र यानी आपके जो पंखे हैं, किसी भी पंखे को जो है, कूलर के पंखे हो गए या ये आपके पंखे हो गए जो नॉर्मल पंखा आप लोग उपयोग में लाते हैं, इन सब पंखों को स्टार्ट करने के लिए एकाएक ज़्यादा धारा की आवश्यकता पड़ती है। तो ज़्यादा धारा देने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर देते हैं, कैपेसिटर का उपयोग कर देते हैं, संधारित का उपयोग कर देते हैं। तो गाइस संधारित एक प्रकार का सेल होता है जो कि किसी भी परिपथ में एकाएक आवेश देता है, एकाएक जितना आवेश की आवश्यकता है वो एकाएक उठा के क्या कर देता, दे देता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, संधारित कहलाता है। अब जैसे ही इस पंखे में क्या करोगे भाई, इस पंखे में एक संधारित जोड़ दोगे, मान लीजिए पंखे के अंदर ये एक संधारित जोड़ दिए, तो ये जब 2 एम्पियर 5 एम्पियर की धारा पाया तो पंखा नहीं चला, पर जैसे ही 2 एम्पियर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए तो वैसे ही ये जो संधारित होता है ये चार्ज रहता है, ये क्या रहता है, चार्ज रहता है। जब पंखा चलता रहता तो ये संधारित क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो जिस इसके अंदर जो आवेश रहता है वो एकाएक पंखे को दे देता है, तो पंखा आपका क्या करने लगता है, चलने लगता है, पंखा झटका मार के क्या करने लगता है, चलना स्टार्ट कर देता है। फिर जब चलने स्टार्ट कर देता है तो फिर दोबारा ये थोड़ा इसको चार्ज देगा, तब आपकी ये जो फैन है वो इतने ही करंट से चलने लगेगी, 2 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा से ही वो चलने लगता है पंखा। तो संधारित की आवश्यकता ये पड़ी। अब मैंने यहाँ एक वर्ड कहा है भाई सेल, क्या किसका बात किया है, सेल और संधारित में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा, सेल और संधारित दोनों एक ही हैं।
पर भाई कुछ अंतर तो है, क्योंकि अगर सेल में संधारित्र और सेल में अंतर नहीं रहा होता तो भाई सेल का ही उपयोग करके पंखे को चलाया जा सकता था, पर सेल के उपयोग से पंखे तो चलता नहीं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, सेल भी जो है धारा, सेल भी जो है क्या करता, आवेश को फ्लो करता है, सेल भी धारा उत्पन्न करता है। पर समझिए जरा सा, मैं बात जो बताने वाला हूं, सेल किसी भी परिपथ में आवेश को लगातार एक मान में देना स्टार्ट करता है। जैसे मैंने कहा कि कोई ये परिपथ हो गया गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये कोई परिपथ हो गए और इस परिपथ में आप सेल जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए सेल, तो ये सेल क्या करेगा, ये सेल जो आवेश को फ्लो करेगा, आवेश का एक निश्चित मान होगा, जैसे एक कुलाम आवेश हो या दो कुलाम आवेश हो या तीन कुलाम आवेश हो, तो वो एक निश्चित आवेश देगा और लगातार देता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ये इसका आवेश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है, आवेशहीन हो जाता है। तो भाई ये सेल क्या करता है, इस आवेश को लगातार देता रहता है इस बल्ब को, जिसके कारण ये बल्ब जो होता है लगातार जलता रहता है। पर अगर इसी सेल के स्थान पर, इसी परिपथ में हम लोग क्या कर दें, ध्यान से समझिएगा, इसी परिपथ में एक संधारित्र जोड़ दें, ये संधारित्र का सिंबल है, दोनों जो संधारित्र के प्लेट होते हैं वो क्या होते हैं भाई, समान होते हैं, तो दो ठो एक सीधी लाइन खींच दे, वो संधारित्र का क्या हो जाता है, सिंबल हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग क्या जोड़ दें, संधारित्र जोड़ दें, तो भाई ये संधारित्र क्या करेगा जानते हो, एकाएक इसके अंदर जितना आवेश रहेगा वो उठा के एकाएक इस बल्ब को दे देगा, तो ये आपका बल्ब थोड़े समय के लिए जल जाएगा, फिर तुरंत बुझ जाएगा, फिर दोबारा इस संधारित्र से ये बल्ब जलने वाला नहीं है। कब तक नहीं जलेगा, जब तक इसको आप पुनः चार्ज नहीं करोगे। तो बातें कुछ आपको समझ में जरूर आई होंगी कि संधारित्र एक ऐसा सेल होता है जिसकी सहायता से किसी भी परिपथ में एकाएक आवेश दिया जा सकता है, अधिक मात्रा में आवेश दिया जा सकता है। तो गाइस आपका फैन वाला भी एग्जांपल आपको जरूर समझ में आया होगा कि भाई संधारित एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सेल होता है जिसकी सहायता से किसी भी परिपथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा आवेश जो है एकाएक प्राप्त कर सकते हैं। संधारित एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा पात्र होता है, एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें आवेश को जो है हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग आवेश को क्या करते हैं, अधिक मात्रा में रख सकते हैं, अधिक मात्रा में संचित कर सकते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर आपने क्या लिया, मान लीजिए ये कोई पात्र हो गया, ये कोई संधारित हो गया, इसको हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आवेश को संग्रहण कर सकते हैं, आवेश को रख सकते हैं। तो संधारित एक ऐसा निकाय होता है जिसमें हम लोग आवेश को क्या करते हैं, संचित कर देते हैं। और इसका उपयोग कब करते हैं, जब किसी भी यंत्र को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवेश की मात्रा की आवश्यकता होती है तो हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं। आपने घर में देखा होगा विद्युत मोटर, जिसे टुल्लू कहा जाता है, तो विद्युत मोटर को भी चलने के लिए अधिक से अधिक धारा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा धारिता की जो कैपेसिटर होते हैं वो लगाए जाते हैं, जिससे कि आपका जो है जितना कम धारा की जरूरत हो, जितना कम धारा पड़ती है वो कैपेसिटर क्या कर देता है, पूरा कर देता है, कैपेसिटर एकाएक देकर मोटर को स्टार्ट कर देता है, फिर मोटर आपका चलने लगता है। तो भाई यही फंडा है कि संधारित आपका एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें आवेश को हम लोग केवल ग्रहण करके रख देते हैं, भाई आवेश को संचित करके रख दी, जब जरूरत पड़ी तो भाई हमने निकाल लिया। जैसे आप लोग के बैंक होते हैं, बैंक में आपने पैसे जमा कर दिए, जब जरूरत पड़ी तो निकाल लिए, तो उसी प्रकार संधारित होता है। ठीक, तो आइए इसको हम मूव करते हैं, संधारित का सिंबल क्या होता है वो आप ध्यान दीजिएगा, संधारित का प्रतीक ध्यान दीजिएगा, संधारित का प्रतीक होता है एक ऐसे प्लेट होती, दोनों प्लेटों की ऐसे, ये संधारित का क्या हो गया, सिंबल। तो ऐसा जहां लगा रहेगा वो क्या, आप समझ लीजिएगा, संधारित का क्या होता है, सिंबल होता है, एक प्लस प्लेट रहेंगे, एक क्या रहेंगे, माइनस प्लेट रहेंगे। तो भाई ये हो गई आज की टॉपिक संधारित के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संधारित की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है वो हम लोग ध्यान देंगे। भाई संधारित की धारिता स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे या जो देख चुके होंगे, लाइक अगर नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, फिर हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं संधारित की धारिता। तो गाइस आपकी नेक्स्ट टॉपिक है संधारित की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। भाई संधारित की धारिता है क्या, और ये टॉपिक आपके बारे में आया तो क्यों आया, अरे आप लोगों को पढ़ने के लिए आया है भाई, आप लोग उसको जानिए कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित की धारिता क्या होती है। चलिए परिभाषित करें संधारित की धारिता क्या होती है, आप लोग भी परिभाषित कर लीजिए, आप लोग भी जान लीजिए संधारित की धारिता क्या होती है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी संधारित होती है,
जो सबने संधारित पढ़ा ना कि एक ऐसा निकाय होता है जिसमें हम लोग आवेश को क्या करते हैं, संचित करते हैं, आवेश को संग्रहण करते हैं। आपने तो भाई देखा होगा, देखिए संधारित ऐसे होता है, देखिए ऐसे ही संधारित एक होता है, देख रहे हैं। अब ये क्या होता है कि ये संधारित हो गया, इसमें दो ठो वायर निकले रहते, एक आपके जो है प्लस के रहेंगे, एक क्या रहेंगे माइनस, एक प्लस सिरे से जुड़ा रहता है, एक माइनस सिरे से जुड़ा रहता है। ये आपकी संधारित हो गए, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग आवेश को क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, इसमें आवेश को संचित कर देते हैं। और ये संधारित क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये संधारित क्या होती है, इसकी हर एक संधारित की अलग अलग धारिता होती है, हर एक संधारित की क्या होती है, अलग अलग धारिता होती है। इसकी धारिता कुछ और होगी, तो गाइस इस पे हम लोग देखना चाहेंगे कि इसकी धारिता कितनी है। तो फिलहाल इसकी धारिता 3.15 माइक्रोफेरड है, 3.15 माइक्रोफेरड है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप देख सकते होंगे कि भाई इसकी जो धारिता है यहाँ लिखा गया 3.15 माइक्रोफेरड। तो नोट रखिएगा कि भी हम इसका मतलब बताएंगे कि किसी भी संधारित की जो धारिता होती है 3.15 माइक्रोफेरड कहने का मतलब क्या है, यानी इसकी जो धारिता लिखी गई, इसकी जो कैपेसिटेंस है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, इसकी कैपेसिटेंस है 3.15 माइक्रोफेरड। तो पहले हम लोग धारिता तो जान तो लें कि धारिता होती क्या है, तब तो समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो आपने देख लिया, आपने ऐसा याद आ रहा होगा कि हमने तो ऐसा अपने पंखों में देखा है। अरे अपने पंखों में नहीं, चाहे जिसका पंखा जाके देखोगे, हर एक पंखे में इसी का उपयोग किया जाता है। यही भाई साहब क्या करता है कि एकाएक आवेश देता है जिससे पंखा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो भाई इसको हम लोग रखते हैं, आगे के टॉपिक की चर्चा करते हैं, संधारित की धारिता। ध्यान, जो संधारित होता है वो अपने अंदर आवेश को इकट्ठा करता है, तो आवेश के संग्रहण करने की क्षमता, आइए सी इक्वल टू, तो एक मिनट जरा हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं कि किसी भी संधारित को जब हम लोग क्यू आवेश देते हैं, क्यू चार्ज उसको देते हैं, तो उसके विभव में कितनी वृद्धि हो जाती है, वी वोल्ट, यानी क्यू प्रोपोर्शनल है वी, यानी किसी भी संधारित को जितना आवेश देंगे उसका विभव उतना बढ़ता चला जाएगा। ये बात आप ध्यान से नोट कीजिएगा, ये प्ले नोट कर दीजिए। यदि इसके कहने का मतलब है कि हम किसी भी संधारित को जितना आवेश देंगे उसके विभव में उतनी वृद्धि होगी, क्यू प्रोपोर्शनल क्या हो गया वी, इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, सी लगा लेते हैं, क्यू बराबर क्या आ गया सी इंटू वी। हमको सी निकालना है क्योंकि संधारित की धारिता ज्ञात करनी है, तो हम लोग इस पक्ष को इधर करते हैं, सी वी बराबर क्या हो गया क्यू, अब वी को पक्षांतर कर देते हैं तो सी बराबर क्या मिल गया क्यू बटे वी। तो ये क्या निकल के आई, संधारित की धारिता निकल के आई, जहाँ सी क्या है धारिता है, सी क्या है भैया धारिता है, ध्यान दीजिएगा सी क्या है धारिता है, और क्यू क्या है आपका आवेश है, क्यू क्या है आपका आवेश है, और वी क्या है आपका विभवांतर है या विभव है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गए आपके भाई वी विभवांतर हो गया, क्यू आवेश हो गया, और सी क्या हो गई धारिता हो गई। तो संधारित की जो धारिता होती है वो सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान वी होता है। और किसी भी संधारित को हम लोग जब क्यू आवेश देते हैं तो उसमें वी वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, यानी आवेश देने पर विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात आवेश अनुक्रमानुपाती होता है वोल्टेज के, तो क्यू प्रोपोर्शनल क्या कर दिए वी कर दिए। तो इस प्रकार संधारित की धारिता का व्यंजक भी निकल के चला आता है। हम लोग इसके मात्रक की चर्चा करते हैं, संधारित के धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक, तो धारिता का जो मात्रक होता उस बात पे ध्यान रखेंगे। तो धारिता का जो मात्रक होता है गाइस, सबसे पहले Q का मात्रक हो जाएगा, धारिता का मात्रक हो जाएगा Q का मात्रक, किसका मात्रक Q का मात्रक, और बटे क्या हो जाएगा V का मात्रक, किसका मात्रक हो जाएगा V का मात्रक, ध्यान दीजिएगा। अब Q का मात्रक क्या होता है, यहाँ Q का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम, तो ध्यान दीजिएगा भाई क्यू का मात्रक हो गया कूलाम क्योंकि आवेश है, और वी का मात्रक होता है बोल्ट, तो कूलाम प्रति क्या हो गया बोल्ट। तो धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति बोल्ट या फैरड होता है, क्या होता है फैरड, फैरड क्या होता है फैरड, ध्यान दीजिएगा इसका मात्रक क्या होता है, फैरड भी होता है, माइक्रो फैरड भी हो सकता है, तो अन्य मात्रक भी लिख सकते हैं। तो अन्य मात्रक क्या हो जाएंगे, अन्य मात्रक इसके हो जाएंगे माइक्रोफेरड, क्या हो जाएंगे माइक्रो
फैरड, ध्यान दीजिएगा, अन्य मात्रक इसका क्या हो जाएगा, माइक्रोफेरड। और एक माइक्रोफेरड बराबर होता है, एक माइक्रोफेरड बराबर होता है 10^-6 फैरड, ध्यान दीजिएगा, एक माइक्रोफेरड बराबर होता है 10^-6 माइक्रोफेरड। तो संधारित्र की धारिता का मात्रक ये भी हो गए, और ये कूलाम प्रति वोल्ट भी हो गया और फैरड भी हो गए। ध्यान से समझिएगा कि अब यहाँ बात आएगी कि एक फैरड धारिता से आप क्या समझते हैं, वो हम लोग परिभाषित करेंगे। उससे पहले अभी ये हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि एक फैरड धारिता क्या होती है, या पांच फैरड धारिता हो तब क्या होती है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। एक चीज़ और निकाल लेते हैं, इसकी बीमा की चर्चा कर लेते हैं, किसकी, संधारित्र की धारिता की बीमा। तो भाई बीमा कैसे निकालेंगे, तो भाई बीमा निकालने के लिए पहले क्यू का मात्रक, क्यू की बीमा लिखेंगे, किसकी बीमा लिखेंगे, क्यू की बीमा लिखेंगे, और बटे किसकी बीमा लिखेंगे, वी की बीमा, किसकी बीमा लिखेंगे, वी की बीमा। तो क्यू की बीमा क्या होती है, क्यू की बीमा होती है ए टी, क्योंकि आवेश है तो आवेश की बीमा ये हो जाएगी। फिर वी की बीमा, तो वी की बीमा, तो वी की बीमा आपको नहीं पता है, तो वी बराबर होता है डब्लू अपान क्यू, तो W अपान क्यू की बीमा यहाँ लिखना पड़ेगा। तो चलिए अगले स्टेप में लिखते हैं, ए टी आ गए यहाँ पर। अब देखिए W की बीमा क्या हो गई, ध्यान दीजिएगा, W एक कार्य है, कार्य की बीमा होती है ML² T^-2, ये हो गए, ठीक। और आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है, ए टी, ये पूरा पोर्शन ए टी वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो जब ए टी वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा तो ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और टी पहुंचा तो टी स्क्वायर हो गया। तो अगली पद में हम लोग क्या लिखेंगे गाइस, अगले पद में लिखेंगे ए स्क्वायर और टी पावर टू, ये ऊपर वाला पद आया। अभी नीचे पद बचा है, नीचे क्या है, यम बचा है, एल के पावर टू है, टी के पावर माइनस टू है। तो अब इसकी बीमा क्या लिखेंगे भाई, यम को ऊपर ले जाते हैं, लास्ट पक्ष बीमा आने वाला है। तो जो बीमी सूत्र है, यम ऊपर जाएगा तो यम के पावर माइनस वन आएगा, ध्यान दीजिएगा, यम के पावर माइनस वन आएगा। एल ऊपर जाएगा तो एल के पावर माइनस टू हो जाएगा, एल के पावर माइनस टू हो जाएगा। फिर टी के पावर माइनस टू पहुँच गए ऊपर, तो ये माइनस टू और माइनस टू मिल के कितने हो गए, माइनस फोर, तो टी के पावर माइनस फोर आ गया। फिर एक ए के पावर आपका क्या बचा है, यहाँ टू बचा है। तो इसकी जो बीमीय सूत्र है वो इस प्रकार आ गए, यम इनवर्स एल के पावर माइनस टू, टी के पावर माइनस फोर और ए के पावर टू होता है, इसकी बीमीय सूत्र, संधारित्र की धारिता की बीमीय सूत्र होता है। एक बार पुनः आपको रिपीट करा देते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो भाई किसी भी संधारित्र में आवेश के ग्रहण करने की क्षमता, जैसे भाई आप क्या गए दुकान पर, दुकान पे गए और दो रंग की बाल्टी ली, एक बाल्टी ली 5 लीटर की और एक बाल्टी ली 10 लीटर की, कितनी ली 10 लीटर। तो ये 5 लीटर ये 10 लीटर इसकी क्या है, इसकी कैपेसिटी है, इसकी धारिता है। यानी उस बाल्टी में हम लोग 5 लीटर से ज़्यादा वाला कोई चीज़ नहीं भर सकते भाई, उसकी उतनी ही कैपेसिटी है कि हम इसको इसमें 5 लीटर पानी भर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें 10 लीटर पानी भर सकते हैं, 10 लीटर से ज़्यादा, 1 लीटर भी नहीं, आधा लीटर भी नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी है कि इसमें 10 लीटर से ज़्यादा आएगा ही नहीं। उसी प्रकार अगर इस बाल्टी को हम मान ले संधारित, क्या मान ले संधारित, तो संधारित की भी अलग अलग कैपेसिटी होती है कि किसी भी संधारित में कितना आवेश ग्रहण कर सकते हैं, वो आवेश के ग्रहण करने की कैपेसिटी, ग्रहण करने की क्षमता ही कैपेसिटेंस ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहलाता है, अर्थात संधारित्र की धारिता कहलाती है। तो गाइज उम्मीद करते होंगे कि आपको ये संधारित्र की जो धारिता है वो जरूर क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम जो है कुछ एक दो टॉपिक और बचे हैं कि जैसे मैंने पूछा था अभी कि यहाँ एक फैरड का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ लिखा है 3.15 माइक्रोफेरड, इसका मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे जो है आज की सेशन को वहाँ पर समाप्त कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन जो पूछे उनके जवाब दे रहे हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिए, तो इसको हम लोग मूव करते हैं, फैन चलाओ आज का। तो गाइज आइए ध्यान दीजिएगा कि एक फैरड, जैसे आपने कोई कैपेसिटर लेने गए, कोई संधारित्र खरीद के लाए, उसकी धारिता उस पर लिखी रहती है एक फैरड, क्या लिखी रहती है एक फैरड, या तो लिखा रहेगा 5 फैरड या तो 5 माइक्रोफेरड लिखा रहे हैं, 1 माइक्रोफेरड लिखा रहे हैं, 5 माइक्रोफेरड लिखा रहे हैं।
और जैसे अभी मैंने एक आपको दिखाया था ना कि उस पर लिखा गया था 3.15 माइक्रोफैरड, तो आप इसका मतलब क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या कहेंगे? तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास C का फार्मूला था, C बराबर था Q बटे क्या था V था, तो वो क्या कर रहा है कि C का मान 1 माइक्रोफेरड है, यानी यहां C का मान कितना है, 1 माइक्रोफेरड है, तो उसके कहने का मतलब है कि Q का मान 1 कूलाम हो जाए, Q का मान क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, और V का मान क्या हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए। तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि जिस किसी भी संधारित्र की जो कैपेसिटेंस होती है, जिस किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है, 1 माइक्रोफेरड लिखी रहती है। उसके कहने का आशय यह होता है कि उस संधारित्र में 1 कूलाम आवेश रखने से, 1 कूलाम आवेश रखने पर उसकी जो विभव होती है वो 1 वोल्ट वृद्धि हो जाती है, 1 वोल्ट विभव हो जाती है। तो यानी जिस संधारित्र की 1 माइक्रोफेरड धारिता होती है वो संधारित्र अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग 1 कूलाम चार्ज रखेंगे और 1 कूलाम चार्ज रखने से ही वो संधारित्र की धारा, वो जो संधारित्र होगा उसकी विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी, यानी हम लोग अब इसमें दूसरा आवेश नहीं रख सकते हैं, इसलिए इस संधारित्र की धारिता बहुत कम मानी जाती है। ठीक, अब आगे समझिएगा, यहाँ क्या है, 5 माइक्रोफेरड है, यानी C का मान आपको 5 माइक्रोफेरड चाहिए। तो फार्मूला C इक्वल टू Q बटे V, तो यहाँ Q का मान क्या करते हैं, 5 कूलाम रख देते हैं, V का मान 1 वोल्ट रख देते हैं, यानी इस वाले संधारित्र को हम लोग 5 कूलाम चार्ज देंगे, 5 कूलाम चार्ज देंगे तब जाके 1 वोल्ट की वृद्धि होगी, तो इसकी धारिता क्या कहलाएगी, 5 माइक्रोफेरड कहलाएगी। यानी इस ऐसे जिस संधारित्र में 5 माइक्रोफेरड लिखा रहेगा उस संधारित्र की धारिता का मतलब है कि उस संधारित्र में हम लोग 5 कूलाम चार्ज देने पर 1 वोल्ट की विभव वृद्धि होगी, 1 वोल्ट के विभवांतर में वृद्धि हो जाएगी, यानी उसमें हम लोग 5 कूलाम चार्ज रख सकते हैं, तो वो उसकी धारिता हो जाएगी। तो इसकी धारिता इसकी तुलना में बेहतर मानी जाएगी। अब यही चीज आपका यहां भी है, 3.15 माइक्रोफेरड है, तो यहां इनके कहने का मतलब है कि हम लोग इस प्रकार के संधारित्र में 3.15 कूलाम चार्ज एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसकी धारिता ये 3.15 माइक्रोफेरड कहलाएगी। तो गाइज जिसकी धारिता जितनी लिखी रहती है उस पर हम लोग, यानी कहने का मतलब आप समझो ऐसे कि कौन सा संधारित अच्छा माना जाता है, कौन सी संधारित बेहतरीन माना जाता है, आप सोचो कौन सी संधारित बेहतरीन माना जाता है, वो संधारित अच्छा होगा जो संधारित में हम लोग ज्यादा चार्ज एकत्रित कर सके, ज्यादा चार्ज रख सके, वो संधारित बेहतरीन माना जाता है। उसी प्रकार जैसे कि कोई इंसान अगर एक नेवाला खाए, एक घास खाते ही उसका पेट भर जाए, तो भाई वो कैसा खाने वाला हुआ, जो एक रोटी खाने से ही उसकी पेट भर जाता है तो अच्छा खाने वाला माना जाएगा, नहीं वो अच्छा खाने वाला नहीं माने जाएगा। वो अगर आपके सामने आए कहे मैं भाई बहुत खा लेता हूँ और उसकी आपने खिलाना स्टार्ट किया एक रोटी में उसका पेट भर गया, तो भाई वो अच्छा खाने वाला नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार ये 3 धारिता वाले संधारित्र थे, 1, 2, 3, ये कह रहा भाई एक ही कूलाम चार्ज भरे, उसके बाद ये कह रहा बस अब हमारे अंदर आप आवेश एकत्रित नहीं कर सकते, अब आप अगर हमारे अंदर आवेश एकत्रित करेंगे तो बाहर से कार्य करना पड़ेगा, और बाहर से कार्य करना पॉसिबल नहीं है, बाहर से आप कार्य नहीं कर सकते हो। तो भाई ये इसकी धारिता ना के बराबर, ये बोल रहा है भाई आप मेरे अंदर 5 कूलाम चार्ज एकत्रित कर सकते हो, 5 कूलाम से ज्यादा चार्ज एकत्रित करने के लिए आपको बाहर से बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये क्या कह रहे हैं, ये भाई 3.15 माइक्रोफेरड, और भाई अब इन तीनों में से सबसे बेहतरीन तो धारिता इसकी दिखाई पड़ रही है। तो अब आप जरूर समझ पाएंगे कि कंडीशनर या कुछ भी कहीं भी कैपेसिटर खरीदने जाएंगे तो हर एक कैपेसिटर में जो आपकी धारिता लिखी रहती है उसके कहने का मतलब आप जरूर समझ जाएंगे। तो गाइज आज की लेक्चर, आज का जो सेशन है, उम्मीद करते होंगे कि आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू प्यारे बच्चों।